अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कहाँ हैं आप लोग? अच्छा परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। अम्मा क्या हुआ, आशी कहाँ है? बस बेटा, अल्लाह की यही रजा थी, जिसने पहले उम्मीद दिलाई थी वो आइंदा भी उम्मीद से करेगा। क्या कह रही हैं आप? सुबह तो आशी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हाँ ठीक थी, लेकिन सुबह अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई, यहाँ लेकर आई, चेकअप करवाया तो पता चला कि बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी। अगर उसका प्रोसीजर ना होता तो आशी की जान को खतरा हो सकता था। बस बेटा, मैंने ही जा सकती थी। मुझे माफ कर दे, कि जानो मेरे कोई लापरवाही नहीं की थी। आशी, आशी मैंने ऐसा कब कहा है? कोई इल्जाम मत दो खुद को, जो हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं अपनी खुशियों में भूल गया था कि मैं किसी का गुनहगार हूं और उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। अल्लाह ने हमसे इतनी बड़ी खुशी देके वापस ले ली आज। मैं बहुत आसान फरामोश, हम अपनी खुशियों में दूसरों का दुख भूल जाते। मैंने खुद से अंदाजा लगा लिया कि माया ने माफ कर दिया होगा मुझे, इसलिए ऊपर वाले ने हमें एक उम्मीद दिलाई। मैं भूल गया था कि जब तक मैं माया से माफी नहीं मांगूंगा अपने अल्लाह के दरबार में कभी भी सुरखरू नहीं हो पाऊंगा। More
चाहती क्या हो तुम आज? हाँ चली क्यों नहीं जाती मोहन की जिंदगी से, जब जानती हो कि वो आशी के साथ खुश रह सकता है, उसी से मोहब्बत करता है, तो उनकी जिंदगी में रहने का कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरे नियत में फतूर नहीं है तो चली जाओ ना उसकी जिंदगी से। अब आशी आ गई इस घर में, तुम मुंह भी नहीं लगाएगा वो, इतनी हिम्मत जर दिखाओ अपना। आशी को मोमिन की जिंदगी में ला सकती हो लेकिन खुद उसकी जिंदगी से जा नहीं सकती। वाह अच्छाई का क्या दोहरा मेयार है तुम्हारा। जमीर क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं मेरी बेटी की जिंदगी की आजमाइश कब खत्म होगी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्यों दोनों पकड़ में आ जाते हैं। ठीक कह रही हो तुम, जरूर किसी की बददुआ लग गई है दोनों को। किसी की? हम तो इतराफ कर लें माया की बददुआ है। आशी कह रही थी उसका दिल बहुत दुखा हुआ है, अगर वो जबान से बददुआ ना भी दे आसमान तक भी जरूर जाएंगे। मैंने सोचा था माया उनकी जिंदगी से निकल गई है, मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों का रास्ता तो अब कोई नहीं रोक सकता। आशी बता रही थी मोमिन फिर से उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा है, रात रात भर रोता है। उसे लगता है कि मैं जब तक माया से अपने कहे हुए अल्फाज की माफी नहीं मांगूंगा मेरी इबादत कबूल नहीं होगी। पहले गुस्सा आता था मुझे मोमिन पे, अब तरस आता है। मेरा बस चले मैं माया के पास जाके मोमिन की तरफ से माफी मांग लूं। खेरे दिल की आ तो अर्श भी हिला देती है जमीन, तो हम जमीन पे रहने वालों को सुकून कैसे मिल सकता है? Thank you.
मत परेशान हो आशी, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उसको यही समझाती हूँ, इतनी टेंशन लेगी तो अपना केस खुद ही खराब करेगी। पता नहीं आप अभी किन कामों में लग गई हैं, मैं जाके देखती हूँ। अच्छा आशी, इतनी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुदा जरूर इन दुआओं की लाज रखेगा। डॉक्टर तो ये नहीं कहता पागल, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो है जो ऊपर बैठा है, वो अपना कर्म जरूर करेगा। मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं मोमिन को उसकी औलाद दे सकूं, सिद्धा रहूं या ना रहूं, लेकिन उसको कोई खुशी तो दे सकूं। मत करो ऐसी बातें, खुदा से अच्छे की उम्मीद करो। तुम जानती हो जब से डॉक्टर ने कहा कि हमारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तब से मोमिन की आगे खुश की नहीं रहती। तो बेचारा तो खुशियों के लिए तरस चुका, उसकी आजमाइश खत्म होती है ना ही उसकी तरह खत्म होती। आपा सब खैरियत होगी, अल्लाह हमारी दुआएं जरूर सुनेगा। बस आंसा, इतनी दुआओं के बाद तो अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई थी, अब मंजिल के इतने करीब आकर ये जो पेचीदगियां पैदा हो गई है ना, इसकी वजह से दिल बहुत डरा हुआ है। बस दुआ करो कि अल्लाह खैर खैरियत का वक्त लाए। आमीन। आशी, आशी, या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोमिन साहब। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं है आपको। मगर मैं आपको जानता हूँ, मैं माया बीबी के घर ड्राइवर था। जब आपके वालिद साहब फौत हुए थे तो मैं आया था उनके साथ। आप तो जानते होंगे कि माया का। आप नहीं जानते? मैंने तो सुना था कि उनकी शादी हो गई आपके साथ। हाँ शादी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के चली गई। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि अब वो कहाँ है। मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैं तो खुद काफी टाइम के बाद शहर आया था बेगम साहिबा की कब्र पे फातिहा पढ़ने। हाँ रानी शायद उनके बारे में कुछ जानती है। मैं ये भी तो नहीं जानता कि रानी कहाँ है, उसका घर कहाँ है। नंबर तो होगा आपके पास? नंबर तो नहीं है मेरे पास, रोड़ी के करीब गाँव है उसका, क्योंकि उसको स्टेशन छोड़ने अक्सर बेगम साहिबा मुझे भेजा करती थी। कौन सा गांव है रोड़ी के पास? जी अम्मा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अम्मा? कुछ नहीं बेटा, वो आशी का बीपी शूट कर गया था पाग, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। मैं आशी के पास जाता हूँ, खाला उसी के पास है ना? नहीं नहीं बेटा, आंसा तो मेडिसिन लेने गई है, लेकिन हाँ तुम जाओ डॉक्टर से मिल लो, वो कह रही थी कि तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जाओ। मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती, आशी की हालत काफी क्रिटिकल है। हमारी कोशिश, आपकी दुआएं अगर काम कर जाती हैं और उनकी जान बच जाती है तो यकीन जानिए एक मुआवजा होगा। हम 5 बजे तक बीपी डाउन करने की कोशिश करते हैं, और अगर इस तरह से नहीं हुआ
तो फिर हम मजीद दाखिल नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें ऑपरेट करना होगा फौरी तौर पे, नहीं तो माँ और बच्चे की जान को शदीद खतरा हो सकता है। नहीं, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, ऐसा मत करें। दुआ करें आप, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तावीज करने वालों के साथ नहीं है, वो तो बस दुआ देती हैं। वो लोगों से मिलती भी नहीं है, वो समझती है लोग शिर्क करते हैं। रानी से मैंने बहुत इसरार किया, मैं कहा रानी मुझे मिलवा दो, तो उसने मुझे मिलवा दिया। आप जिसकी बात कर रही हैं उसका नाम क्या है? अल्लाह लोग जो होते हैं ना, उनके नाम नहीं होते, उनके काम होते हैं। तुम बताओ बेटा, कोई दुआ करवानी है? मुझे रानी के घर जाना है। रानी के घर? आप यहां? हाँ, सुकून है यहां। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। किसी की तलाश में आए? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी की तलाश में नहीं आए हो, अपनी तलाश में आए हो। अगर मन मिट्टी कर लिया है तो खुद को पालोगे, वरना ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी।
ये लो बाबा खाना खा लो। रानी आप ऐसे नहीं था तुम मुझे अंदर आए मेरे साथ आई बीबी आपसे कोई मिलने आया है। रानी तुम्हें कितनी बार कहा है लोगों को आने से रोक दिया करो। मैं कौन होती हूँ किसी के लिए दुआ करने वाली। एक बार देख तो लें। रानी बोल भाई आप यहाँ कैसे जमीन पे और कहाँ जाता है जहाँ मुझे करार नसीब हो तो अपने गुनाहों का बोझ उठाए कहाँ कहाँ तलाश के क्या होती है। ऐसा क्यों कह आपने कोई गुनाह नहीं किया मोमिन। बहुत बड़ा गुनाह किया तुम पे बहुत आग लगाया तुम्हारा दिल तोड़ा तुमसे बदगुमान हुआ तुम्हारी इबादतों को झूठा कहा मैं यकीन मानो माया अपनी किसी इबादत का मजा नहीं आया तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ तुम्हारी बददुआओं के असर। मैंने आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैंने आपको बददुआ दी। मुझे अफसोस जरूर हुआ था लेकिन मैं कभी आपको बददुआ नहीं दे सकती। अगर नाराज नहीं थी तो पलट के क्यों नहीं देखा कि तुम्हारा मोमिन किस हालत में जी रहा है। माफ कर दो माफ कर दो इस माफी की आरज़ू ने तुम्हारे जाने के बाद हर पल तड़पाया मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मोमिन मैं तो कब का भूल चुकी हूँ कि आपने मेरा दिल दुखाया। लेकिन मैं नहीं भूला किसी एक पल भी नहीं भूला। मैं दिलों को सिर्फ एक जात जोड़ सकती वो है मेरे अल्लाह की जात। वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे अल्लाह ने कितना सुकून इतना इत्मीनान दिया कि मुझे दुनिया की कोई फिक्र अब नहीं सताती। कर दो मैं कर दो ना माफ अपने मुंह अब मुझे गुनाह माफ कर ऐसे मुझसे माफी मत मांग। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाला। आप मेरा यकीन करें मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज नहीं थी तो इस तरह छोड़ के क्यों चली आई फिर मुझे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी को मेरी जरूरत थी। मोमे जरूरत है माया तुम्हारे जाने के बाद पता चला मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ मुझे कि तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं ये जान सका कि मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत में अपने पछतावों का बोझ उठाए हर जगह घूमता रहा हर बार नाकामी हुई तो मेरा एहसास से जुर्म और पड़ता चला गया। आपको पता है मोमिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आपको मुझसे मोहब्बत होने लगी है। लेकिन उस रात जो आपने मुझे कहा मैंने मान लिया कि मैं बहुत छोटी हूं। मान लिया कि मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए वरना वाकई आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद कोई उजाला नहीं आया मेरी जिंदगी में। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेते जो कुछ आपने मुझे कहा वो सब एक गलत फहमी थी। मैं आपकी कही भी हर बात को गलत साबित कर सकती थी
लेकिन आपको पता है जब आपने मुझसे कहा कि मेरी इबादत धोखा है, झूठ है, उस वक्त तो मेरी रूह कांप गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपका गुमान सच तो नहीं। क्या मैं आपको पाने के लिए पूरा पूरा वक्त इबादत करती हूँ? मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपका एहसानमंद होना चाहिए। मुमिन, आपने मुझे मेरे खुदा से मिला दिया, क्योंकि यहाँ यहाँ तो कोई नहीं है जो मेरी इबादत को धोखा या झूठा कहे, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा खुदा है, तो दुनिया का और कोई रिश्ता नहीं। इबादत कितनी खालिस है ये तो इबादत करने वाला भी नहीं जानता, सिर्फ मेरा अल्लाह का। मैं वो बदजात था जो तुम्हारी इबादतों को झूठा समझता। मीनाक्षी कैसी? ठीक है ना मम्मी? जिंदगी और मौत की कश्मकश। अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है कि क्या होगा आपके उसके साथ। माया, मैं तुम्हारे जाने के बाद जिंदा लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी पाया। ये दुआएं हमेशा आप दोनों के साथ। मैं दुआ नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ चलो आया, आशी तुम्हें देखेगी ना फिर से जी उठे। मैं आपके साथ नहीं चल सकती माँ, मैं अपनी इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। नहीं माया, मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा वहाँ। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल। आप जाइए, आशी को आपका इंतजार हो। आशी को मुझसे ज्यादा तुम्हारा इंतजार है। तो आशी को कह दीजिए कि माया के दिल में हमेशा आशी के लिए मोहब्बत सरशार रहेगी। जाए मम्मी। जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आबाद रहा, शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। आशी की हालत काफी क्रिटिकल है। हमारी कोशिश, आपकी दुआएं अगर काम कर जाती हैं और उनकी जान बच जाती है तो यकीन जानिए एक मुआवजा होगा। मतलब ये कि हमें ऑपरेट करना होगा फौरी तौर पे, नहीं तो माँ और बच्चे की जान को शदीद खतरा हो सकता है। जब आपने मुझसे कहा कि मेरी इबादत धोखा है, झूठ है, उस वक्त तो मेरी रूह कांप गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपका गुमान सच तो नहीं। क्या मैं आपको पाने के लिए पूरा पूरा वक्त इबादत करती हूँ? मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपका एहसानमंद होना चाहिए। मुमिन, आपने मुझे मेरे खुदा से मिला दिया, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है जो मेरी इबादत को धोखा या झूठा कहे, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा खुदा है, तो दुनिया का और कोई रिश्ता नहीं। ट्रेन के इंतजार में बैठे हो? अकेले जा रहे हो? जा सकोगे अकेले? अरे जवाब तो दो। अरे कोई है? देखो इसे क्या हो गया, पानी दो कोई।
अल्लाह अल्लाह। क्या पानी चाहिए? वो जो मुसाफिर आया था वो वापस नहीं जा पा रहा। कौन कौन नहीं जा पा रहा? वो वहाँ स्टेशन पर बेहोश पड़ा है। नहीं माया, मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा वहां। हटो हटो, रास्ता दो। मोमिन, 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 आंखें खोलिए। आप आंखें नहीं खोलेंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। मोमिन, मोमिन, अगर आपने आंखें नहीं खोली तो मैं चली जाऊंगी और इस बार जिम्मेदार आप होंगे। मोमिन, मोमिन। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, बेटा हुआ है। शुक्रिया। और राशि? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ब्लड काफी बह चुका है। आप दुआ करें, परेशान मत हो। मोमिन से रब्ता हुआ किसी का? मैं ट्राई कर रही हूँ। उसका बेटा किसी और नंबर से फोन आया था, आ रहा है वो। मुझे इस हाल में छोड़कर कहाँ रह गया है? कहीं देर ना हो जाए। आशी, बेटा क्यों मायूसी वाली बातें कर रही हूँ? अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है तुम्हें, मायूस मत हो, आने वाला ही होगा। फोन नहीं उठा रहे। खाला मेरे एक काम करेंगे? माया। सलाम अलैकुम। वालेकुम। अल्लाह ने बेटे से नवाजा। माशाल्लाह कितना प्यार है। कहाँ रह गए तुम मोमिन? तुम बहन माया को कितना इंतजार किया आज ने तुम्हारा। कहाँ है आशी? कहाँ है आशी? डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन 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 क्या? लेकिन क्या? डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स से बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन लेकिन क्या क्या हुआ आशी को? आशी चली गई बेटा। आशी अब हमारे बीच नहीं है और नहीं रही अब इस दुनिया में। मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। तो अब देर कर दी बेटा तुम लोगों में आने में। आशी चली गई। मेरी मेरी आशी।
पता नहीं आशी ने कितना इनसे जहर किया होगा ना, फिर देर कर दी मैंने। खुद को संभाले, आशी ने दिया था उसको पढ़े। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा, पर अल्लाह का जो हुक्म हो, मैंने तुम्हें हमेशा अल्लाह की रजा में राजी देखा है। हर बात को मुझसे कहने वाला मोमिन आया के जाने के बाद राजी क्यों नहीं हुआ, क्यों भटकता रहा? बहुत सोचा तो समझ आई कि तुम्हें तो इश्क दरकार है, माया का इश्क। मेरा यकीन है कि तुम्हें वो मिल जाएगी, तुमसे नाराज नहीं हो सकती, वो भी अल्लाह की रजा में राजी थी। उसको तो तुम्हारे जरिए इश्क की हकीकी का रास्ता मिल गया, और उसने अपनी नादानी में जो कुछ गलतियां की हैं उसकी सजा भुगत चुकी है। वो उसकी नादानी को दरगुजर कर देना, हमारे बेटे का ख्याल रखना मोमिन। मुझे पता है कि तुम और माया उसकी अच्छी परवरिश करोगे। शर्त जो दे